चलिए ये म्यूजिक से हट के तनिक राजनीति में हम बात करते हैं। जो शुरू शुरू में जब मन भय डाउर की हमारा आजमगढ़ से लड़े के बाद एगो लाइन बड़ा ट्रेंड करत रहे उगरिया सब लोग करीब रौर विपक्षी जे रहे या जे रौरा के चिढ़े लागल वो बोले लागल कि नचनीय बजनीय सांसद बनी। ई वर्ड रौरा कैसन लागल आ एक जवाब कैसे दे? अच्छा लागल हमके कि भाई यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की जो अच्छाई है वो यही है कि अगर आपको बहुमत मिलता है, आपको जनता अगर वोट देती है, तो आप नाचने वाले हैं कि आप चाय वाले हैं कि आप गाने वाले हैं कि आप कौन है, क्या फर्क पड़ता है। आप जीत सकते हैं, आप जीतिए, आपको हक है। ये नहीं कि हम मुख्यमंत्री के बेटा हैं तो ही हम ही लड़ेंगे। ऐसा ना लगता है कि कुछ नहीं, मुझे लगता था कि यही तो उनकी कमजोरी थी सामने वाले की। मैटर नहीं कि उनको लगता है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, नेता का बेटा ही नेता बनेगा। नमस्ते। तो यही तो फेल हो गए उन्हें कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि लोकतंत्र में हर किसी को हक है, हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब वो नाचता है कि वो गाता है कि वो फिल्म करता है कि क्या करता है। और दूसरी बात, मैंने ये बात जवाब दिया था, आप जो जवाब सुनना चाह रहे हैं, मैंने जवाब दिया था कि अगर आप नाचते हैं और नाच करके हर महीने 5-8 लाख-10 लाख GST भरते हैं इस देश की गवर्नमेंट को, और कई लाखों रुपए आप टैक्स भरते हैं तो देश के विकास में आपका कुछ योगदान है कि आप योगदान दे रहे हैं। जो देश तरक्की कर रहा है उसमें 5-10 लाख हर महीने आप भी दे रहे हैं, भले नाच के ही दे रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़का नेता हैं और आप 0 दे रहे हैं, सब खा रहे हैं। हाँ। बटोर बटोर तो आपसे बढ़िया तो नाचने वाला है। हाँ। क्योंकि वो देश की तरक्की में कुछ अपना हिस्सेदारी दे रहा है, वो अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ भर रहा है, टैक्स भर रहा है, GST भर रहा है। तो ये वो लोग बात बोलते हैं जो हताश होते हैं, जो निराश होते हैं, जिनको पता है, बात वाला वो, उनको पता है कि ये सामने वाले की लोकप्रियता है, लोग प्यार करते हैं, कलाकार है, तो जीत सकता है। और वही हुआ, जीते। उनकी हताशा गलत भी नहीं थी, उनका वो नचनिया बोलना गलत भी नहीं था, वो नहीं, उनकी जो हताशा निराशा थी वो सही साबित हुई ना। आखिर जिसको गढ़ समझते थे वो उखड़ गया। जैसे बहुत लोग, जैसे सुपरस्टार लोग, चाहे साउथ को होके, चाहे हिंदी को, चाहे अपना भोजपुरी को होके, सेफ सीट खोजेला राजनीति में, सेफ चीज होके। रौरा आजमगढ़ जैसा इतना टॉप सीट काहे चुननी? ये जानकारी आज मैं आपको दे देता हूं, ये चीज आप जानेंगे। जब कोई कलाकार चुनाव लड़ने जाता है तो वो नहीं चुनता है कि वो कहां से लड़ेगा। अगर कोई सीट बहुत आसान है तो वहां जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं रात दिन, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको टिकट देंगे ना। आपको क्यों देंगे? आप कल तक फिल्म बना रहे थे, आज आए तो आपको अचानक एकदम परोस के दे देंगे? ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसी सीट है जो कठिन है और इस पे ऐसा लगता है कि आप कलाकार हैं और आपको लोग प्यार करते हैं और हमारी पार्टी का वहाँ बहुत अच्छा है, आप भी आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा जो एक अड़चन आ रही है वो प्लस हो जाएगा और सीट निकल जाएगी। तो तय होता है कि ठीक है, इस कलाकार को यहाँ से लड़ाते हैं। तो वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, कलाकार डिसाइड नहीं कर सकता कि हम कि सीतामढ़ी का सीट बहुत सेफ बा, यहीं से दे दा, हम तो जीत जाएंगे। चलते चलते लास्ट में राहुल, 2024 में आजमगढ़ के लोग काहे निरहुआ जी के वोट दे? ऐसे लोग वोट दे कि जो 50 साल में ना भेल वो 1 साल में हो। आजमगढ़ की जनता के पता बा
आजमगढ़ के लोग के पता बा। आज तक इतना रुपया कोई लिया ही ना पहले आजमगढ़ में जितना हमनी के एक साल में लिए लिया। ओकर कारण ही बाटे कि हमनी के देश में जोन सरकार बा, प्रदेश में जोन सरकार बा, वही पार्टी से हम बानी, मतलब सत्ता में जोन पार्टी बा वही पार्टी से हम बानी। एक तो कारण ही बा, और दूसरा कारण ही बा कि कौनो मंत्रालय में हमनी के जाके कौनो आजमगढ़ खातिर काम मांगल जाला तो कि ना ना होला। मोदी जी से कदम बहुत अच्छा संपर्क बा, गृह मंत्री जी से बहुत अच्छा संपर्क अच्छा, योगी जी से संपर्क सबसे सबसे ओकर कारण बाटे कि हम खाली एगो कलाकारे नहीं की, हम खाली एगो सांसदे नहीं की, हम अपना पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। तो देश के कोनो हिस्सा में चुनाव होगा तो जिसे बाकी लोग कैंपेनिंग करे खातिर उसे हमरो के जाए के पड़ेला। तो इकरे वजह से भी हर जगह अपन पहचान भी बा और हर जगह लोग प्यार भी करेला और उनके लगे जा तो हर काम भी कर देला। जैसे अगर केहू कोनो मंत्रालय में समझे कि राजस्थान के कोई बड़ा नेता बा और कोनो बड़ा मंत्रालय में बा, केहू गुजरात के बा, केहू मद्रास के बा, केहू तमिलनाडु के बा, अलग अलग जगह के लोग अलग अलग मंत्रालय में बा, तो कोनो साधारण सांसद जाए तो हो सकेला कि ओकर काम हुई कि ना हुई कोशिश करी। लेकिन जब आजमगढ़ के सांसद जाए तो ओकर काम एक मिनट में हो जाए। हाँ ठीक, अरे आप तो आए थे हमारे यहाँ प्रचार में, बाबा अगली बार भी आइएगा, हम आएंगे सर, थोड़ा भीड़ भी इकट्ठा हो जाए, थोड़ा हमारा भी आजमगढ़ की जनता एक खातिर भी चुनी कि आजमगढ़ के एक तो सत्ता के साथ रहे की जरूरत है। 24 में भी 100% मोदी जी के सरकार बने जा रहा बा, पहले से भी ज्यादा बहुमत से बने जा रहा बा। तो आजमगढ़ जब सत्ता के साथ रही तो जितना तेजी से काम एक साल में भइला, अब ये पांच साल में और तेजी, पांच साल में तो कई गुना तेजी हो जाए ना भैया। वो जो एयरपोर्टवा रुकल बा वो बन जाए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सोचा ना लोग तरसे लागी ओके एगो हवाई अड्डा मिल गया आजमगढ़ के, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलल बा वो बन जाए। और बाकी भी जोन बाटे काम वो सारा तेजी से, कहे कि विकास जोन होला ना वो सतत प्रक्रिया है, ई ना कि एक बार तू कुछ बना देला तो वो हमेशा ना ना वो बनत रहे के चाहिए, होत रहे के चाहिए लगातार। विकास का मतलब लगातार कंटिन्यू कुछ ना कुछ होते रहो, बनते रहो, होत रहे, बनत रहे, आगे बढ़त रहे। और उकरे खातिर के चलिए हमनी के शुभकामना बा कि 24 में आई कहे तो हमनी के फिल्म इंडस्ट्री के भी फक्र होला कि हमनी के फिल्म इंडस्ट्री के तीन गो स्टार जोन फिल्म के स्टार बनले ओकर बाद संसद में बैठल बड़े। आई एगो ऐसन इंडस्ट्री बा जेकर एक साथ तीन गो संसद में बैठे बड़े, और कोनो फिल्म और आवे वाला समय में हमके लगा था कि पांच गो बैठे हैं, दो आदमी और दो आदमी और आए। अच्छा चलो, चलते चलते अभी थोड़ा सा हमारा नाम पर एक विवाद हुई रहे 15-20 दिन पहले। लोग कहलक कि विजेंद्र तो अभी नया नया आइल बड़े, नया नया चीज हमन, हमारा बारे में अगर दो शब्द जानत हो कि कुछ अगर नया कितना बानी का बानी। हम तो विजेंद्र भाई की बहुत पहले से जाना था, और जब हमने के टी सीरीज में बड़का भैया के साथ जात रही जा विजय भैया के साथ, तब से हम इनकरा के जाना था नहीं देखा था नहीं। और उकरे अलावा जब हमनी के मुंबई में भी फिल्म करे गए नहीं जा, तो घरी जो मसालेदार फिल्म बनत रहे वो दौर में भी विजेंद्र भाई बियाह फिल्म बनेले रहने, और उके देख के हर आदमी कहलस कि वाह विजेंद्र भाई कमाल, हम आए रहने स्टूडियो में देखे और बहुत अच्छा लगा, नेचुरल मतलब जो ना तरीका से होला वो बहुत बखूबी, और सब लोग तारीफ करते रहे। हम तो शमशान घाट के उद्घाटन, शमशान घाट के उद्घाटन कमाल बा और बहुत मजा आवे वाला बा। और हमू देखी ले विजेंद्र भाई के जितना वीडियो आवेला, आनंद बाबा के जितना वीडियो आवेला, तो हमनी के भी देखे नहीं जाए और बहुत आनंद आवेला। आप लोग भी देखे नहीं, इतना आशीर्वाद प्यार देवे नहीं, तो ऐसे ही आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार भाई भी बने बनैले रखी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते दो शब्द बोल दी पब्लिक खातिर जो आज किच 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 होता ओकरा से हट के भोजपुरी के हमने थोड़ा सा पॉजिटिव ले हल जा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बढ़िया काम, बढ़िया मेहनत करके और अच्छा हमने के करे के बा, कहे कि भोजपुरी में अभी बहुत स्कोप बा, बाकी इंडस्ट्री अपने पीक पे पहुँच चुकल बा, लेकिन दुनिया के सबसे ज़्यादा
बोले और समझे जाए वाली जो भाषा है भोजपुरी, वो अभी अपने मतलब प्राथमिक पड़ाव में ही अभी रुकल बा, ओके अभी बहुत ऊंचाई तक लेके जाए के बाद। और वो तब भी संभव हुई जब आप लोग अपने भाषा के प्रति जो प्रेम बांटे ओके बरकरार रखी और अच्छा काम के सराहना करी, और जो उल्टा सीधा काम बात हो के नेगलेक्ट करी, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अच्छा काम पे ध्यान दे। चलिए हंसत रही मुस्कुरात रही, दो पार्ट में ये वीडियो आई, राजनीति वाला अलग और कलाकारी वाला अलग, तो कैसा लगी जरूर कमेंट करें। कोनो सवाल हो के भैया से पूछे के तो जरूर बताएं, हम पूछे भैया, हम कहनी कहते यहाँ से हमारा से बोल रहे और यहाँ के हमेशा सपोर्ट करते रहनी। हंसत रही मुस्कुरात रही, जय माता रानी, जय माता रानी।